नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास LG का अल्ट्रासिलिम 21 इंची टीवी आया। इसमें फॉल्ट ये है कि इसमें पिक्चर दोनों साइड से कटी हुई आ रही है। ये देखिए स्मॉल साइज पिक्चर आ रही है इसमें, और आज हम इसे आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। अब ये हम कैसे रिपेयर करते हैं, क्या चीज़ इसमें ख़राब निकलेगी और क्या क्या इसमें हमें करना पड़ेगा। ये LG का TV 21 इंच देखिए, मॉडल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। ये LG का TV है। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको ओपन करके तब दिखाते हैं। ये देखिए मैंने भाइयों ओपन कर दिया है, ये देखिए, ठीक है। हमें ये देखिए पिक्चर हमारी अब भी ऐसी की ऐसी बनी हुई है। इसमें देखते हैं हम क्या कमी निकलती है, कैसे रिपेयर होगा, क्या खराबी इसमें निकलेगी, ठीक है। इसके जो वर्टिकल सेक्शन है हमें वो चेक करना पड़ेगा। मैंने इसका तार निकाल दिया है, अब मैं इसकी किट बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ये सारे वायर हटा देता हूँ। ये सारी वायर मैंने इसकी हटा दी है, किट बिल्कुल पीछे कर लेता हूँ इसकी। ये जो है ये सब खोलनी पड़ेगी। ये हमने हटा दी, ठीक है। अब हमने बाहर निकाल दी। अब इसका हम वर्टिकल सेक्शन दिखाता हूँ मैं सबसे पहले। जो इसका वर्टिकल सेक्शन है ये देखिए, इसका वर्टिकल सेक्शन है। इसमें 78041 IC लगी हुई है, ठीक है। ये हमारी वर्टिकल IC है। अब हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा, कोई कंडेंसर तो हमारा फूला हुआ नहीं है। ये छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये जो हैं ये 163, ये जो कैपेसिटर हैं ये हमारे बिल्कुल ठीक हैं, कैपेसिटर कोई भी फूला हुआ नहीं है। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या कमी है, ठीक है। ये कमी कैपेसिटर की बहुत ही ना के बराबर है। 100 में से 90% कैपेसिटर की कमी बिल्कुल नहीं है। 100 में से 90% ये कमी रेजिस्टेंस की है, जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ना छोटी, ये इनकी कमी है। ये चेक कर लेनी। और सबसे ज़्यादा जो सबसे मेन कमी जो आपको चेक करनी है सबसे पहले, ना दिमाग को घुमाते हुए किसी चीज़ को ना देखते हुए, बस सबसे पहले जो मेन पॉइंट है इसका, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ चेक करना है, ठीक है। मैं हटाता हूँ इसे, मैं इसे किट को उल्टी कर लेता हूँ, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना, कुछ भी चेक नहीं करना। सबसे पहले ये जो योक के जो दो पिन है ना, ये जो वर्टिकल वाली सेक्शन है योक के, जो ये दो तो हॉरिजेंटल हैं ऊपर वाली, नीचे वाली दो वर्टिकल हैं। ये वर्टिकल वाली पिन पे जो है कुछ नहीं चेक करना। सबसे पहले आपको डी सोल्डिंग चेक करनी है। ये डी सोल्ड तो नहीं है किट हमारी, डी सोल्ड की कमी सबसे 100 में से 100% डी सोल्ड की कमी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ये 100 में से 99% कह सकते हैं, 100% हम नहीं कह सकते, 99% डी सोल्ड की कमी आती है और यही फॉल्ट इसमें निकलता है। हमें सबसे पहले क्या चेक करना, ये जो पिन है हमारी, ये जो दो वर्टिकल वाली, ये चेक करनी है। जो ऊपर वाली पिन है ना, यहाँ से देखिए ये ऐसे करके ये मैं थोड़ी पिक्चर को जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये दिखा देता हूँ अब आपको। ये जो कमी है इस जो ऊपर वाली पिन है यहाँ से आई हुई है, ये देखिए यहाँ पे आकर के यहाँ रेजिस्टेंस हमारी ग्राउंड हुई रहती है। एक जो भी रेजिस्टेंस होगी 2.2 ओम, 3.3 ओम, यानी ओम में होगी पॉइंट में जो भी रेजिस्टेंस होगी। ये जो दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, एक ये वाली ग्राउंड हुई है और एक ये वाली, दो रेजिस्टेंस ग्राउंड हुई रखी हमारी। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पर ये जो दो रेजिस्टेंस हैं, देखिए दो दिखाई दे रही हैं, एक ये और एक ये। ये तो एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद में एक ये है और एक ये, दो रेजिस्टेंस हमारी दो ग्राउंड हुई होती हैं। इन्हें आपको सबसे पहले ये चेक करनी है, जब ये भैया फॉल्ट आपके सामने आए सबसे पहले ये चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हीं पर सोल्डिंग करते हैं हम सबसे पहले आज, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं और कुछ कमी वैसे निकलती नहीं है सबसे ज़्यादा। ये कई मैंने TV रिपेयर कर दिए, ये फॉल्ट आता है LG में,
कई टीवी मैंने रिपेयर कर दिए हैं, उनमें यही फॉल्ट आता है। तो हम सबसे पहले सोल्डिंग यहीं पर करेंगे, सोल्डिंग बढ़िया तरह से करेंगे। अगर तब भी नहीं जाए ये फॉल्ट, तो ये जो रेजिस्टेंस निकाल कर निकालने के बाद और साफ करने के बाद दोबारा लगाएं इन्हीं रेजिस्टेंसों को, ठीक है। ख़राब नहीं होती है रेजिस्टेंस, क्या होता हीट होकर जो सोल्डिंग डीसोल्ड हो जाती है और वो सोल्डिंग लगती नहीं है ढंग से तरीके से। आपको ये तरीका करना है सबसे ज़्यादा, ये तरीका बता देता हूँ आपको, यही करना है आपको और कुछ नहीं करना। ये रेजिस्टेंस चेक करो सबसे पहले। मैंने 100 में से कई टीवी रिपेयर कर दिए हैं, 100 में से 70% रेजिस्टेंसों की कमी निकलती है। सबसे पहले नहीं चेक करो जाकर ये, जब भी ये फॉल्ट आए। तो अभी मैं इसे टीवी का प्लग लगा देता हूँ, मैंने सोल्डिंग कर दी है, प्लग मैंने इसका लगा रखा है, मैं लीड भी लगा देता हूँ। थोड़ा सावधानी से लगाएं लीड भी, जो मिस्त्री हैं वो तो देखो लगा ही लेंगे जैसे भी। ऑडियो की लीड नहीं लगाता हूँ, ठीक है। वीडियो मैंने लगा दिए, देखिए वीडियो की लीड लगा दिए, पिक्चर में थोड़ी छोटी करके। अब हम टीवी के सामने चल के देखते हैं, हमारी पिक्चर बड़ी हुई नहीं। देखिए टीवी पिक्चर हमारी पूरी बड़ी हो गई, एकदम बढ़िया चलेगा टीवी हमारा। जो हमारा फॉल्ट था बस यही रेजिस्टेंस का फॉल्ट था, ये देखिए चलने में कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर एकदम फुल साइज और पूरी हो गई, ठीक है। हमारी कमी क्या निकली, बस ये रेजिस्टेंस की, ये जो देखिए ये मैंने सोल्ड कर दिए, ये जो दो रेजिस्टेंस हैं ये मैंने सोल्ड करी। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, आपने देख भी लिया होगा, और आपको कुछ नहीं करना, बस ये दो रेजिस्टेंस हैं। अगर नहीं होता, अगर ये सोल्ड करने से, तो मैंने बाहर निकाल के और घिस के साफ करके दोबारा लगाता और पिक्चर हमारी पूरी हो जाती। यहाँ पे जो दो रेजिस्टेंस है ना, ये साइज की हैं, अगर एक भी ढीली पड़ जाएगी तो पिक्चर आधी हो जाएगी, ठीक है। एक आधी पिक्चर की है, एक पूरी पिक्चर की है, ये दो रेजिस्टेंस हैं हमारी, ठीक है। इस योग पर से आती हैं, योग की जो ये दो पिन है ना, इन पर से आती हैं। ये देखिए, ये जो दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ये जो योग है ना, ये जो इसकी पिनों पर से आती हैं, और यहाँ पर ग्राउंड हो जाती हैं। ये देखिए, ये पिन नंबर 2 पर से आके ग्राउंड हो जाती हैं ये, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई और वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही ज्ञान की वीडियो और नॉलेज की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।